जिसने खुद पर नियंत्रण पाना सीख लिया वो जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि आपकी मेहनत का फल कैसे मिलेगा, क्या करना होगा आपको। छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे, छोटे छोटे उपाय करेंगे, तो अवश्य मेहनत का फल प्राप्त करेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपको क्या करना है। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 22 जून 2024 दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 6:37 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, शाम के 5:54 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे वो समय होगा प्रातः काल 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे मेहनत का फल आपको मिले इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय आपके काम आएंगे। पंडित जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें मेहनत का फल ही नहीं मिलता, तो ये मेहनत का संबंध कौन से ग्रहों से है? देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन बावजूद उसके सफलता औसत रहती है या कम मिलती है। आखिर मेहनत का आपकी ग्रहों के साथ क्या संबंध है? देखिए, कुंडली के ग्रह बहुत हद तक बता देते हैं कि जीवन में मेहनत की स्थिति क्या रहेगी, कितना संघर्ष होगा, कितना आराम होगा। कुंडली का जो त्रिकोण है लग्न पंचम और नवम, और इसके स्वामी त्रिकोण और त्रिकोण के स्वामी जीवन के संघर्ष वाले हिस्से को बताते हैं। लग्न पंचम और नवम भाव के स्वामी ये भी बता देते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष कैसा होगा और आपके जीवन में संघर्ष कितना होगा। इनमें भी पंचम भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पूर्व जन्म के पुण्य इस जीवन में कितना साथ देंगे ये आपकी कुंडली का पंचम भाव बता देता है। अगर कुंडली में पंचम भाव और इसका स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति का संघर्ष कम होता है, और पंचम भाव मजबूत हो कुंडली में तो व्यक्ति कम प्रयास में सफलता पा जाता है। मतलब इसका यह है कि पूर्व जन्म के जो उसके पुण्य होते हैं, पूर्व जन्म के जो उसके कर्म होते हैं, वो जीवन पर ज्यादा शुभ प्रभाव डाल देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको कैसे मिले, आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि की। पंडित जी, मेष, वृष और मिथुन राशि वाले अपनी मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय करें? सबसे पहले जानते हैं कि मेष,
वृषभ और मिथुन राशि के लोग अपने जीवन में मेहनत का फल पाने के लिए कौन से उपाय करें। मेष राशि, अगर आपकी राशि मेष राशि है और आप मेहनत का फल पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाइए, सूर्य देव की उपासना करिए और सप्ताह में एक दिन गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन किसी भी धर्म स्थान में जा करके प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको मेहनत का फल प्राप्त होगा। वृषभ राशि, अगर आप अपनी मेहनत का फल चाहते हैं तो शनि देव की उपासना करें। ज्यादा कुछ नहीं भी कर सकते तो कम से कम शनि देव का मंत्र रोज शाम को 108 बार जरूर पढ़ें। साथ ही साथ अपने घर में पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, उनमें पानी वगैरह समय समय पर डालते रहें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोग अगर जीवन में संघर्ष कम करना चाहते हैं तो हर शनिवार को हनुमान जी की उपासना करें। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनकी पूजा करें, मेहनत का फल मिलेगा। और हर मंगलवार को और हर शनिवार को अगर सुंदर कांड का पाठ आप अपने घर में करें तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। सबसे पहले बात मेष राशि की, मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, करियर में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात वृष राशि की, शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी मत टालिए, स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिए। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात मिथुन राशि की, बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शुभ समाचार प्राप्त होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो क्या उपाय करने से आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा।
वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के बारे में जानने का कि अगर इन्हें मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो पंडित जी इन्हें क्या उपाय करना चाहिए। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोग मेहनत का फल पाने के लिए कौन से उपाय करें। कर्क राशि की बात करते हैं। अगर आपकी राशि कर्क राशि है और आप अपनी मेहनत का फल पाना चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। हनुमान जी की आप जितनी पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। गुरुवार को निर्धनों को और बुजुर्गों को पीली मिठाई बांटिएगा। गुरुवार को गरीबों को बुजुर्गों को पीली मिठाई बांटिएगा और हनुमान चालीसा पढ़िएगा रेगुलरली, तो आप मेहनत का फल पा सकेंगे। सिंह राशि, आप अपनी मेहनत का फल चाहते हैं तो अपने घर में पीछे की तरफ एक केले का पौधा लगाइएगा और नियमित रूप से उस केले के पौधे की देखभाल करिएगा। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। संकट मोचन हनुमानाष्टक नित्य प्रातः और सायंकाल पढ़ेंगे तो आपकी मेहनत का शुभ फल आपको जरूर प्राप्त होगा। कन्या राशि, आप अपनी मेहनत का फल चाहते हैं तो भगवान कृष्ण को नियमित रूप से कम हर बुधवार को पंचामृत अर्पित करिएगा। नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पंचामृत अर्पित करें, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें और जितना संभव हो शनि देव की आप पूजा करेंगे तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। शनि देव की पूजा करने से आपके जीवन का संघर्ष भी कम होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन संबंधी समस्या दूर होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, धन के नुकसान से बचें, काफी व्यस्तता रह सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे,
शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उससे पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम पंडित जी से जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको लाभ हो। इसके साथ ही आगे ऐसा क्यों अवश्य देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी बताते हैं दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जो आपके दैनिक जीवन में काम आती हैं, उनके पीछे शास्त्रीय कारण कौन से हैं वो पंडित जी बताते हैं। और साथ ही शुभ मंगल सावधान अवश्य देखें, क्योंकि शुभ मंगल सावधान में हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें। यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न मयंक यादव जी ने हमें लिखा है, आगरा से लिखते हैं। 20 अगस्त 1988 का जन्म है, 8 बजे प्रातः, जन्म स्थान है आगरा। ये पूछ रहे हैं कि मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरी राशि कौन सी है और क्या मैं मांगलिक हूं या नहीं हूं। मयंक, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और तुला राशि की। आपकी राशि तुला है, सप्तम भाव में कुंडली के मंगल विद्यमान है, निश्चित रूप से आप मांगलिक हैं। जहां तक आपके भविष्य की बात है, अप्रैल 2025 तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचिएगा। अप्रैल 2025 के बाद करियर की स्थिति और जीवन की स्थिति आपके बेहतर होगी। एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आप खूब मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या उपाय आप करें तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने लगे। समय हो गया तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों के बारे में जानने का। पंडित जी, अगर तुला वृश्चिक धनु वालों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के लोग अपनी मेहनत का फल पाने के लिए क्या उपाय करें। तुला राशि की बात करें तो आप अपनी मेहनत का फल पाने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र रोज शाम को पढ़ने का एक नियम बना लीजिए। साथ में भगवान विष्णु को रोज सुबह 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। वृश्चिक राशि, मेहनत का फल पाने के लिए घर के पीछे की तरफ एक केले का पौधा लगाएं, नियमित रूप से इसकी देखभाल करें, इसमें जल डालें और हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर बेल पत्र और जल
अर्पित करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो वृश्चिक राशि वालों को उनकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। धनु राशि, अपनी मेहनत का फल पाने के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। तांबे के बर्तनों का प्रयोग जरूर करिएगा। तांबे का लोटा या गिलास खरीद लें, इससे नियमित रूप से जल पीते रहें। अगर आप ऐसा करें, हनुमान जी की पूजा करें, तांबे के बर्तनों का प्रयोग करें, तो जीवन का संघर्ष कम होगा और अपने द्वारा की गई मेहनत का फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा। कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक सहयोग मिलता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नए काम का अवसर मिलेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन से उपाय आपको आपकी मेहनत का फल दिलाएंगे। कई राशियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं पंडित जी, राशि अनुसार बता रहे हैं कि आप क्या उपाय करें ताकि आपकी मेहनत का फल आपको मिले। बात करते हैं मकर कुंभ और मीन राशि की। पंडित जी, मकर कुंभ और मीन वालों को यदि उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता तो उन्हें क्या करना चाहिए? मकर राशि की अगर बात करें तो आप एक चांदी का कड़ा या चांदी का एक छल्ला किसी भी उंगली में पहन लीजिएगा और सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे पीपल के पौधे लगवा दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको की गई मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा। संघर्ष कम होगा और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कुंभ राशि, जीवन से संघर्ष कम करना चाहते हैं, मेहनत का शुभ फल चाहते हैं तो भगवान शिव को
पंचामृत अर्पित करिएगा नियमित रूप से। रोज करें तो रोज करें, नहीं तो सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें और एक तुलसी की माला ले लें और तुलसी की माला अपने गले में धारण कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन का संघर्ष कम होगा और मेहनत का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। मीन राशि, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके द्वारा की गई मेहनत का फल मिले तो पूर्णिमा का व्रत जरूर रखिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उसका व्रत रखें और हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करिएगा भगवान राम के साथ। हनुमान जी की आप जितनी पूजा करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा शुभ होगा। तो याद रखिए, अगर आपकी राशि मीन राशि है तो पूर्णिमा का व्रत रखने से, भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करने से जीवन का संघर्ष कम होगा और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि नमक कोई मांगने आए आस पड़ोस वाला तो उसे नहीं देना चाहिए। नमक में ऐसी क्या ताकत है कि मना किया जाता है कि ये जो है नमक दूसरों को ना दे। ऐसा कहा जाता है कि किसी के मांगने पर उसको नमक नहीं देना चाहिए। उधार में नमक देना, हाथ में नमक देना अच्छा नहीं होता है। ऐसा क्यों? देखिए, नमक के अंदर सबसे ज्यादा संस्कार छिपे होते हैं। अगर आपका जीवन अच्छा चल रहा है तो आपके घर के नमक के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी, आपके भाग्य का अच्छा हिस्सा भी रहेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप घर के बाहर के किसी व्यक्ति को नमक देते हैं तो आपका भाग्य कमजोर होता है। और घर के अंदर के किसी व्यक्ति को नमक अगर उसके हाथ में देते हैं तो इससे बेवजह के विवाद हो सकते हैं। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, काफी मेहनत भरा दिन होगा, करियर की स्थिति में सुधार होगा,
संपत्ति के मामले सुलझ जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 4, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। नंबर 5, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 6, स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। नंबर 7, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। नंबर 8, करियर में आपको सफलता मिलेगी। और नंबर 9, इस समय नए काम की शुरुआत हो सकती है। अब समय हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं आपके रोजगार और आपके करियर की समस्या में सुधार होगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न चंद्रिमा मुखर्जी ने हमें लिखा है, हैदराबाद से लिखती हैं। 17 मार्च 1999 का जन्म है। 12:42 मध्य रात्रि में हैदराबाद तेलंगाना। ये पूछ रही हैं कि मेरा करियर कैसा होगा और मेरा विवाह कब होगा। चंद्रमा, अगर आप शिक्षा क्षेत्र में एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर बनाने का प्रयास करें तो आपको लाभ जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि अभी आपकी उम्र कुल 25 साल हुई है। जब आप 2026 के मार्च में 27 साल पूरा कर लेंगी उसके बाद आपके विवाह होने की संभावना कुंडली में प्रबल है। आपका करियर बेहतर हो, जीवन अच्छा रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है
लौंग खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, काम आपका बन जाएगा। अगर आपको चिकित्सा के लिए जाना है, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी है, जमीन, मकान, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा धनु राशि के लोगों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन लाभ होगा और आनंद की प्राप्ति होगी। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, तनाव और चिंता आपको परेशान कर सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।